हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेडुल्स फॉर्मेशन के बारे में, ग्रंथिका निर्माण के बारे में, कैसे जो है जीवाणु जो है ग्रंथिका ग्रंथि निर्माण करता है, समझते हैं इसको। ग्रंथिका निर्माण मेजबान पौधों की जड़ यौ राइजोबियम के पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जो ग्रंथिका का फॉर्मेशन है वह कैसे होता है, तो जो पौधा है मेजबान पौधा है उसकी जड़ और राइजोबियम के पारस्परिक प्रक्रिया के कारण जो है ग्रंथिका का निर्माण होता है। ग्रंथिका निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। ठीक है, ग्रंथिका निर्माण कैसे होता है, उसके प्रमुख चरण क्या हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइजोबियो बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी राइजोबियम जीवाणु हैं वे सबसे पहले बहुगुणित होते हैं और जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीवाणु जो हैं वे अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, बहुगुणित हो जाते हैं और जड़ों के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप। फिर क्या होता है, फिर मूल रोम मुड़ जाते हैं, जो रूट हेयर है वो क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है, जब जीवाणु आक्रमण कर देते हैं मूल रोम पर तो एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है जो जीवाणु को जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाता है। अब जीवाणु जो है संक्रमित सूत्र के द्वारा जड़ों के कार्टेक्स तक पहुंच जाता है। एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है जो जीवाणु को जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाता है, जहां वे ग्रंथिका निर्माण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वहां पे पहुंचने पर यह क्या करते हैं, ग्रंथिका बनाने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखें ध्यान से, यह अ वाला फिगर, यह जो है मेजबान पौधा है, मेजबान पौधे का यह जड़ है, रूट हेयर है, इसके चारों तरफ जो है जीवाणु इकट्ठा हो जाएंगे, राइजोबियम जीवाणु इकट्ठा हो जाएंगे। यह मृदा के कण आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मृदा के कण हैं, यह आपका रूट हेयर है, मूल रोम है और इसी में आप देख रहे हैं जीवाणु जो है इकट्ठा हो गए हैं, इस मूल रोम को वह घेर लिए हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जो है पहले बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। यह उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से क्या होंगे, जीवाणु जुड़ जाते हैं। इसके कारण जो है, इनके जुड़ने के कारण जो है, यह मूल रोम जो है मुड़ जाता है, अंकुश का आकार बना लेता है, मूल रोम मुड़ जाता है इन जीवाणुओं के कारण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण मूल रोम मुड़ जाते हैं। जीवाणु जो है वह मूल रोम पर आक्रमण कर देता है, जीवाणु जो है मूल रोम पर आक्रमण करके एक सूत्र पैदा करता है, एक संक्रमित सूत्र पैदा करता है जो जीवाणु को जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाता है। यह जीवाणु को कहां ले जाता है, जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाता है। जीवाणुओं से अंतविष्ट संक्रमण धागा, यहां पे आप देख रहे हैं, जो जीवाणु को कहां तक ले जाएगा, कार्टेक्स तक ले जाएगा। ठीक है, तो मूल रोम मुड़ जाते हैं और जीवाणु मूल रोम में आक्रमण कर देता है, एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है जो जीवाणु को जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाते हैं, जहां वे ग्रंथिका निर्माण प्रारंभ करते हैं। यहां पर पहुंचने पर यह क्या करेंगे, एक ग्रंथिका का निर्माण करेंगे, एक परिपक्व ग्रंथिका का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यह जो फिगर आपको दिखाया गया है, यह है सोयाबीन में,
सोयाबीन में मूल ग्रंथिका का विकास के बारे में दिखाया गया है कि सोयाबीन में मूल ग्रंथिका का विकास कैसे होता है। तो आपने देखा पहले ओ वाला फिगर, इसमें आपने देखा कि राइजोबियम जीवाणु जो है वह सुग्राही मूल रोम स्पर्श से उसके नजदीकी विभाजित होता है। ठीक है, मूल रोम स्पर्श के नजदीक ही राइजोबियम जीवाणु जो है विभाजित होने लगता है। व में संक्रमण के बाद यह जीवाणु जो है संक्रमण करता है, संक्रमण के बाद मूल रोम में कुंचन प्रेरित हो जाता है, मूल रोम मुड़ जाता है। ठीक है, यह व फिगर में आप देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि सौ सौ में क्या होता है, संक्रमित धागा जो है वह जीवाणु को भीतर कार्टेक्स में ले जाता है। संक्रमित धागा, ठीक है, संक्रमित जीवाणु धागा को भीतरी कार्टेक्स तक ले जाता है। ठीक है, जीवाणु जो है दंड के आकार, जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कार्टेक्स यों परिरंभ कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं। कार्टिकल यों परिरंभ की कोशिकाओं का विभाजन यों वृद्धि ग्रंथिका निर्माण की ओर ले जाता है। फिर आप देख रहे हैं दो फिगर, संवहनी ऊतकों, संवहनी ऊतकों से पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल से अविच्छिन्न होती है। ठीक है, तो यह सोयाबीन में मूल ग्रंथियों का विकास होता है। तो ग्रंथिका निर्माण कैसे होती है, तो इसमें आपने देखा कि ग्रंथिका निर्माण जो है वह मेजबान पौधों की जड़ यह राइजोबियम के पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होती है। ग्रंथिका निर्माण में प्रमुख चरण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले राइजोबियो जो है वह बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। उसके बाद मूल रोम मुड़ जाते हैं और जीवाणु जो है मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होता है जो जीवाणु को जड़ों के कार्टेक्स तक ले जाता है जहां वे ग्रंथिका निर्माण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जब जीवाणु, आगे देखें, जब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर, जब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु जो हैं ये सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं जहां ये विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्व के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाता है। ठीक है, ये घटनाओं को चित्र में आपको हमने समझाया। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक मालिब्डेनम आयरन प्रोटीन है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक मालिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक मालिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, 12.5 यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम अस्थाई उत्पाद है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम अस्थाई उत्पाद है। ठीक है, इसका समीकरण आप देखें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल प्लस अमोनिया, अमोनियम आयन NH4+ NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, यह बदल जाएगा ग्लूटामेट प्लस जल प्लस NADP में। ठीक है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है वह आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है, इसे अनाक्सी वातावरण की
अनिवार्यता होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है वह आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी है, इसीलिए इसे अनाक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है, ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथियों में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथियों में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है, जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है, एलबी कहा जाता है। यह एक रोचक तत्व है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्मजीव ऑक्सी होते हैं, जहां नाइट्रोजिनेस क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनाक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजिनेस एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजिनेस के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन ग्रंथियों में नाइट्रोजिनेस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। चित्र 12.5, ठीक है, यह चित्र 12.5 है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें, यह एंजाइम नाइट्रोजिनेस को बताया गया है, यह क्रियाधार नाइट्रोजन है N2, यह आके एंजाइम नाइट्रोजिनेस से जुड़ जा रहा है, क्रियाधार का बंधन, फिर इसका आप देख रहे हैं अपचयन हो रहा है, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, अपचयन हो रहा है, दो हाइड्रोजन फिर जुड़ रहे हैं, फिर अपचयन हो रहा है, चार हाइड्रोजन जुड़ गए, फिर दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं अपचयन से, 6 हाइड्रोजन अब जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है आपका जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस था वो अलग हो गया है और यह आपका प्रतिफल अमोनिया बन गया है, उत्पाद की मुक्ति हो चुकी है और आपकी प्रतिफल अमोनिया बन गया है। ठीक है, स्वतंत्र नाइट्रोजिनेस दूसरे नाइट्रोजन अणु से आबद्ध हो जाता है, यह जो फ्री हुआ है अब यह दूसरे नाइट्रोजन अणु को जोड़ने का काम करता है। नाइट्रोजिनेस एक जीवाणुविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। नाइट्रोजिनेस क्या है? एक जीवाणुविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदलता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को आप देख रहे हैं, क्रियाधार नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजिनेस एंजाइम से जोड़ा जा रहा है और बाद में यह अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को अलग कर दे रहा है और एंजाइम खुद अलग हो जा रहा है। अमोनिया उपापचयित होकर अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह आपने चित्र 12.5 देखा। यह नाइट्रोजन जो है स्थिरी कारक का प्रथम अस्थाई उत्पाद है, जिसका समीकरण आपने देखा कि अल्फा कीटोग्लुटेरिक अम्ल प्लस अमोनियम आयन NADPS ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। नाइट्रोजिनेस एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है, इसे अनाक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इसके लिए इस एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथियों में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है, जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह एक रोचक तत्व है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्मजीव ऑक्सी होते हैं, जहां नाइट्रोजिनेस क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनाक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजिनेस एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजिनेस के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। एक अमोनिया अणु के लिए 8 ATP की जरूरत होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सी श्वसन से होता है। ठीक है, तो एक अमोनिया अणु के लिए 8 ATP की जरूरत होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति जो है
वह मेजबान कोशिका के आक्सी श्वसन के द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।